हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी एकदम से सही सलामत हो गए। तो आज भी मैं मतलब अपने फेस को ही देख रहा हूँ, कैमरे में नहीं देख रहा हूँ। पता नहीं आदत कब ख़त्म होगी। तो कोशिश करता हूँ कि कैमरे में देखने की और कैमरे में देख के ही ब्लॉग बनाऊँ। तो देखो, बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार से है, देख रहे हैं आप, बूंदाबांदी सी हो रही है और बादल छाए हुए हैं। और जो टेम्परेचर है आज का, यहाँ पर 13-14 डिग्री अभी टेम्परेचर है। दिन में थोड़ा बढ़कर 17-18 डिग्री तक चला जाएगा। और मैं वियतनाम के बकनिन सिटी में रहता हूँ, यहाँ से आपके लिए ब्लॉग बनाता हूँ। तो जो तो मुझे पहले से देख रहे होंगे उनको तो पता होगा, जिनने नया देखना शुरू किया है तो उनको मैंने बता दिया है मैं वियतनाम से आपके लिए ब्लॉग बनाता हूँ। मेरा नाम चमन है। तो आज का कुछ ब्लॉग इस प्रकार है। अभी मैं आया हूँ किचन की बालकनी में और किचन में एंट्री करनी है। किचन में क्या है भाई, चाय बनानी है। अभी सुबह का मौसम है, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही मैं क्लास लेकर आया हूँ अपने योगा की। तो वाइफ और एमी का कुछ दिन पहले तबीयत ख़राब था, आज वाइफ का भी थोड़ा तबीयत ख़राब है, जुखाम हो गया था। मेरा भी तबीयत ख़राब है, आप बोलने से भी महसूस कर ही रहे होगे। नाक अभी भी बंदी पड़ी हुई है। तो एनीवे, तो मैं तो योगा शोगा कर लेता हूँ, थोड़ा स्ट्रांग रहता हूँ। बाकी वाइफ वगैरह का थोड़ा सा तबीयत ख़राब हुआ है, उसको भी जुखाम हो गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ गरम गरम चाय बनाने के लिए। वैसे तो वाइफ चाय बना लेती है मेरे लिए, लेकिन आज मैं वाइफ के लिए चाय बनाऊँगा। और हम ब्रेड होता है ना, क्या क्या हमारे कई जगह में इंडिया में डबल रोटी भी कहते हैं, तो यहाँ हम अपने भाषा में ब्रेड बोल देते हैं यार। ब्रेड बन जो भी है, बन के साथ में चाय पिएंगे। तो उससे पहले मैं ले लेता हूँ दूध। देखो ये दूध है, तो हम दूध की चाय बनाते हैं, पानी मिक्स नहीं करते हैं, दूध डाल देते हैं और उसमें ही चाय पत्ती डाल देते हैं। हमारा चाय बनाने का कुछ थोड़ा सा अलग स्टाइल है। तो यहाँ पर दोस्तों ये दूध देख लो, इसके बारे में भी बता देता हूँ। ये मोकचाओ एक जगह है जहाँ पर ये दूध का क्या कहते हैं, क्या होते हैं, डेयरी फार्मिंग वगैरह होती है वहाँ पर। तो वहाँ से ये दूध आता है। मोकचाओ एक जगह है वियतनाम में, वो पहाड़ों में जैसा बसा हुआ है और काफ़ी ठंडा इलाका है और काफ़ी मस्त जगह है। तो वहाँ से ये दूध आता है, तो इसकी हम चाय बनाएंगे। इसका जो वैलिडिटी है वो भी कम दिन का रहता है। तो जो बाकी का जो पैकिंग वाला मिल्क आता है, बाकी जो 3-4 महीने तक का जिसमें डेट रहता है, तो उससे काफ़ी बेहतर रहता है, ये थोड़ा सा फ्रेश होता है। तो इसीलिए हम ज़्यादातर इसको ही यूज़ करते हैं, मोकचाओ के दूध को। तो अगर आप भी वियतनाम में आ रहे हैं तो आप कहीं भी सर्च कीजिए, आपको मोकचाओ का दूध, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का दूध लेना है तो आप मोकचाओ का दूध यूज़ करिए, बहुत ही बढ़िया दूध होता है। तो हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं और इसको ही यूज़ करते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल करके बर्तन ले लेता हूँ और चाय बनाता हूँ। सो गाइज, चाय बनाने के लिए तो फिर भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, देख रहे हो आप, वरना चाय कैसे होगी? पानी नहीं डालेंगे तो फिर चाय कौन बोलेगा यार। और चाय पत्ती मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये टाटा टी है गोल्ड। तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप इसका वेट देख रहे हो, 450 ग्राम है ये, जो कि वियतनाम में पड़ता है 200,080 वियतनाम डोंग का, 280,000, सॉरी मैं थोड़ा गलत जा रहा हूँ, 280,000 वियतनाम डोंग का, जिसको आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं 600 रुपये का ये चाय पड़ जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी। कितना, 450 ग्राम 600 रुपये का ये पड़ जाता है। तो ये एक सर्दी के लिए काफ़ी है, सर्दी सर्दी में हम चाय पीते हैं, गर्मी में हम चाय नहीं पीते हैं। तो देख रहे हो गाइस, चाय गर्मा गर्म तैयार है, उबल चुकी है बढ़िया मस्त वाली। सो ये रही चाय, तो बताओ आप देख के कैसी लग रही है भैया हमारी चाय, कप देख लो कितना बड़ा है भाई। हाय हाय हाय, चाय बीबी चाय। तो अभी हम पीते हैं चाय और ये रही हमारी डबल रोटी। तो नाश्ता पानी कर लेते हैं। सो गाइस, दिन भर थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था और अभी टाइम मिला है ब्लॉग करने का दोबारा। तो आज मेरी क्लास तो हो गई थी जल्दी ख़त्म, क्योंकि आज मेरी लास्ट क्लास 6 बजे ख़त्म हो गई थी।
पाँच से छः क्लास थी, और उसके बाद मैं घर गया और घर से थोड़ा सा रेडी शेडी होके और निकले। अभी हम आए रेस्टोरेंट में, आज डिनर बाहर हो रहा है तो डिनर करने के लिए बाहर आए हैं। ये भी अजीब है यार, सवेरे नाश्ता का मैंने आपको ब्लॉग दिखा दिया, अभी शाम को डिनर का दिखा रहा हूँ। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है क्योंकि दिन में कुछ खास था नहीं, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग भी की नहीं। तो फिलहाल बैठे हैं रेस्टोरेंट में द पिज़्ज़ा कंपनी, तो आई थिंक ये थाईलैंड का ब्रांड है, और इधर हमारा खाना पीना भी आ रहा है। ओके थैंक यू। तो इधर हमारा कुछ ऑर्डर आ चुका है, ये एमी के लिए स्पेशली जूस है वाटरमेलन का, एमी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और उधर पानी है देख रहे हो। बाकी पिज़्ज़ा विज़ा हमने ऑर्डर किया है वो आता ही होगा। अभी मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पर, एमी और वाइफ गए हैं बाथरूम, तो उनको बाथरूम से फ्रेश फ्रेश होके आने दो और फिर खाते हैं साथ में मिलके। बाहर मौसम कुछ चिल हो रखा है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी है, सवेरे भी मौसम ऐसा ही था, बारिश का सा था, और दिन भर मौसम ठीक था फिलहाल में, अभी फिर से बारिश होने वाली है, तो देखते क्या होता है। शायद कल मौका मिले अगर तो हनोई जाऊँगा, हनोई का आपके लिए ब्लॉग बनाऊँगा। तो ब्लॉग को थोड़ा सा सपोर्ट करो, लाइक करो, और बाकी क्या करें, कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग हो सके आपके लिए मैं बनाऊँ यहाँ से, दिखाई आपको यहाँ का कल्चर, यहाँ का सिस्टम, यहाँ पर क्या कुछ होता है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो देखो मेरा दोस्त भी वापिस आ गया है, माई फ्रेंड से हेलो, हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू, दे आर ऑल फाइन आई थिंक सो। Say, let's eat pizza. Okay, guys, let's eat pizza and watermelon. Please, 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 please. Wow! मुझे बहुत पसंद है वाटरमेलन का जूस, तो अभी हम शुरुआत करने वाले हैं, तो रेस्टोरेंट दिखाते हैं आपसे। पिज़्ज़ा ये रिसेप्शन को ये क्रिसमस के तरीके से सजा रहे हैं भाई, और खाली खाली है आज, ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत कम लोग हैं। ये रेस्टोरेंट है, जो पिज़्ज़ा होता है यहाँ का वो इटालियन स्टाइल का होता है, रेस्टोरेंट तो आई थिंक ये थाईलैंड का है जहाँ तक मुझे अंदाजा है, तब पता नहीं भाई, जिसको पता है वो बता देना। बाकी खाने के लिए तो हम भी आ गए हैं, तो फिलहाल के लिए देख रहे हो हमारा स्पागेटी आ गया है मस्त वाला, ये वेजिटेरियन स्पागेटी है, इसमें चिकन विकन कुछ नहीं है, मशरूम वाला स्पागेटी है देख रहे हो। पिज़्ज़ा अभी बाकी है, और भी कुछ हमने एक दो चीज़ ऑर्डर किया है, फाइनली डिनर हो चुका है फिनिश, देख रहे हो ये एमी का, एमी अभी भी खा रही आराम आराम से, और तो चलते हैं यहाँ से। भाई एमी तो बहुत भागती दौड़ती है, कम तक पकड़ के रखना पड़ता है इसको। तो देखो हम यहाँ पर मॉल में, अभी डिनर हो गया हमारा, और ये शोरूम है, यहाँ पर शोरूम तो उस साइड में है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले की होती है गाड़ी, क्योंकि लोग तो यहीं से एंटर होते हैं ना। तो ये विनकॉम का बिल्डिंग है, और शोरूम भी विनफास्ट ही है, विनकॉम बिना ग्रुप का ही है ये भी, जो गाड़ियाँ गुड़िया है। भाई एमी भाग रही है, आ रहे आ रहे, ओ नो 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 नो। तो अभी थोड़ी सी हम मौज मस्ती कर लेते हैं, यहाँ पर घूमते फिरते हैं, सुपरमार्केट वगैरह जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद जाएंगे घर। Thank you.
सो मैनी कैंडीज, वाओ कैंडी सेक्शन हियर हियर हियर, वाओ आम देखो कितने प्रकार के हैं। आम 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 है सारे। ये आम तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, देख रहे हो। ये तो ठीक है, हाथ में आ रहा है, देखो भाई खतरनाक साइज है, छोटा है। केले भी अलग अलग ब्रांड के हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।